और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां सीएम आवास पर बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। जिला उपायुक्तों के साथ सीएम की बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। इस बैठक में 9 विषयों पर चर्चा की गई, वहीं सरकार की विकास योजनाओं पर भी समीक्षा हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी यहां चर्चा की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि 9 मुद्दों पर इस दौरान बैठक में चर्चा की गई, 9 विषय इस दौरान चर्चा का विषय बने। वहीं सरकार की विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी यहां चर्चा हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम आवास पर बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। जिला उपायुक्तों के साथ ये बैठक चल रही थी, बैठक में 9 विषयों पर चर्चा हुई। सरकार की विकास योजनाओं पर जहां समीक्षा की गई, वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी चर्चा हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिला उपायुक्तों के साथ सीएम की बैठक चल रही थी। बता दें कि सीएम आवास पर ये बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो गई है, जिसमें 9 विषयों पर चर्चा हुई। सरकार की विकास योजनाओं की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो गई है। इसमें 9 विषयों पर चर्चा की गई। जिला उपायुक्त यहां शामिल थे। सीएम की अध्यक्षता में यहां 9 विषयों पर बैठक में चर्चा की गई, जो कि बैठक अब खत्म हो गई है। इसमें सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा की गई, सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी यहां समीक्षा की गई, इस पर भी चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में 9 विषयों पर चर्चा हुई। दस की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम आवास पर बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो गई है। जिला उपायुक्तों के साथ ये बैठक चल रही थी, अब खत्म हो गई है। और रवि चंदेल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिला उपायुक्तों के साथ ये बैठक चल रही थी, सरकारी योजनाओं की यहां पर समीक्षा भी की गई। 9 मुद्दे 9 विषय इस बैठक में चर्चा का विषय बने। कौन से वो 9 मुद्दे थे, 9 विषय किन 9 विषयों पर यहां पर चर्चा की गई, और सरकार की तरफ से क्या इस बैठक के बाद कुछ नया फैसला सामने आया? जी बिल्कुल, आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक ली, और बैठक में उन्होंने जनहित के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, जिस तरीके से उन्होंने 9 विषयों की चर्चा करी, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वामित्व योजना, हर घर नल योजना, इसके अलावा बहुत सी अन्य योजनाओं के ऊपर जो है बातचीत की। और उन्होंने साथ ही इस ओर ध्यान प्रेशराइज किया कि जो अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं वो हमारे सबसे पंक्ति में सबसे जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, उन तमाम योजनाओं को लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई, ताकि उन योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से लागू किया जा सके। इसके अलावा जिस तरीके से किसान आंदोलन पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि किसानों द्वारा ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है और इसका स्वागत करते हैं, और मौजूदा समय में हम किसानों से ये जानकारी जुटा रहे हैं कि उनके साथ कितने मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही साथ कितने किसानों की जो हरियाणा के किसान हैं कितने किसानों की मृत्यु हुई है उनका आंकड़ा भी लिया जा रहा है, और उसके बाद जो मुकदमे दर्ज हैं उन किन किन धाराओं पर दर्ज है, जिनके ऊपर कोर्ट केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो अभी बैठक होगी, समीक्षा होगी, उसके बाद जो है वो फाइनल निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी चर्चा की गई। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ आंकड़ा जो निकल करके आया था, 100 पुरुषों पे 120 1020 महिलाएं, ये आंकड़ा दर्ज किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने यहाँ पूरे प्रदेश को देश को भी शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से इस मुद्दे पर भी, इस अभियान पर भी एक और बार बैठक करना कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी दर्शा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है शुरू से ही लगातार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है वो इसको और प्रेशराइज करने के लिए, ताकि सही तरीके से अधिकारी जो है कार्य करें, उसके ऊपर लगातार जो है वो समीक्षा करते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने कहा कि अभी तक का जो आंकड़ा है, हमारी उम्मीद है कि आगामी वर्षों के अंदर ये आंकड़ा और भी अधिक जो है ये आंकड़ा बढ़े, ताकि प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या भी बढ़े और बेटियों के साथ साथ उनका शिक्षा और उनके जॉब के लिए भी कार्य किए जाए। जी बिल्कुल रवि, इस दौरान तमाम सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई, चूंकि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम जिला उपायुक्तों की मौजूदगी में ये बैठक हुई है, जिसमें सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई है। सरकार कहीं ना कहीं बेहद गंभीर नजर आ रही है तमाम योजनाओं को लेकर, क्योंकि अभी तक सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर थोड़ा सा भटकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तमाम योजनाओं की समीक्षा करना, इस बैठक में समीक्षा करना कहीं ना कहीं सरकार
कि संजीदगी को दर्शा रहा है कि सरकार अब बिल्कुल संजीदगी से सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है ताकि तमाम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान आंदोलन जो लगातार बीते एक वर्ष से जारी था, तो उसके बाद सरकार का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की तरफ ज्यादा था, लेकिन अब सरकार जो है फुली कॉम्पिटेंट होकर जो है फोर फ्रंट पे आके जो योजनाएं बनाई गई थी उन योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से लागू किया जा सके, इसको लेकर बाकायदा समीक्षा बैठक की जा रही है सभी जिला उपायुक्तों के साथ। इसके अलावा उनके निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार जो है वो चला रही है उन योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से लागू भी किया जाए और उसकी समीक्षा जो है वो ट्राइमेस्टर के हिसाब से, वो समीक्षा भी हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया कि हमारी जो सबसे प्रथम प्राथमिकता है वो यही है कि जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा आदमी है उसकी आय को किस तरीके से बढ़ाया जाए, बेटियों को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए। इसके अलावा जो अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं, उसके जरिए भी जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनकी आय जो है वो बढ़ाई जा सके, एनुअल इनकम उनकी बढ़ाई जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे बात अब कुरुक्षेत्र की करेंगे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने जियो गीता सभागार का उद्घाटन किया, जियो गीता संग्रहालय का अवलोकन भी किया। साथ ही ओम बिरला ने सीएम मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को देश और विदेशों तक पहुंचाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जियो गीता संस्थान हर घर में गीता के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और अब बात पंचकुला की करेंगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला की ओर से आयोजित साइक्लोथॉन साइकिल रैली को खेल मंत्री संदीप सिंह और रतनलाल कटारिया के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं करनाल से श्री दरबार साहिब अमृतसर के लिए किसानों का फतेह मार्च रवाना हुआ। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के साथ कई किसान भी मौजूद नजर आए। बता दें कि कल सिंघू बॉर्डर से चलकर रात करनाल की डेरा कार सेवा में रुका था। वहीं जत्था 15 दिसंबर को अमृतसर पहुंचेगा। गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज के निहंग सिंह जत्थे में शामिल होकर चल रहे हैं। वहीं बाकी नेता गुरनाम सिंह चंदूनी नेतृत्व करते हुए जत्थे को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने इस दौरान कहा कि 380 दिन धरने पर बैठने के बाद सबसे हती प्रधानमंत्री जनता के आगे झुका है, इसलिए कल से फतेह मार्च शुरू किया गया है। 15 को अमृतसर पहुंचेंगे, हरमिंदर साहिब जाएंगे। इस जीत का श्रेय आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को जाता है। करीब 380 दिन सड़क पे बैठने के बाद दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री जो है वो झुका है जनता के आगे, और इसलिए फतेह मार्च जो है वो कल शुरू किया है और हरमंदर साहब जाएंगे 15 तारीख को हरमंदर साहब पहुंचे। वहीं अंबाला में किसान विजय यात्रा का स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में किसान और मजदूर जमा हुए। इस दौरान किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, किसान ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए नजर आए। बता दें कि यहां किसानों ने चाय पानी का भी प्रबंध किया। बढ़ते आगे, जहां कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का इलाज किया था वो डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं। वहीं मुख्य रूप से उनकी तीन मांगे थी। इसी के साथ गृह मंत्री अनिल विज से डॉक्टर्स की मीटिंग भी हुई, इसका रिजल्ट अच्छा आया। इसी के चलते आगे की हड़ताल को स्थगित किया गया और गृह मंत्री अनिल विज ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी डिमांड जल्द ही पूरी की जाएगी।
हमारी तीन डिमांड्स को लेकर हम लोग एजिटेशन पर थे। मंडे से हमने स्ट्राइक अनाउंस की थी, ओपीडी बंद करने की बात की और मंगलवार से सभी सर्विसेज बंद करने की बात को लेकर हमारी स्ट्राइक थी। तीन मेन डिमांड्स थी, स्पेशलिस्ट क्वार्टर बनाने की बात थी उसमें, जो कि सेंटर में है और बिहार में उसके तरह से स्पेशलिस्ट क्वार्टर बनाया जाए। दूसरा, हमारा जो सीधी भर्ती होती है सीनियर मेडिकल ऑफिसर की, उसको बंद किया जाए, उससे हमारा 95% क्वार्टर में स्टेग्नेशन है, एक ही प्रमोशन के साथ सभी लोग रिटायर हो रहे हैं। तीसरी जो मेन डिमांड हमारी थी कि पीजी पॉलिसी को रिवाइज करके हमारा जो 40% कोटा 2016 में होता था उसको दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर अपने पीजी करके आए लोगों की। वहीं अपनी मांगों को लेकर आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में अंबाला में भी सर्व कर्मचारी ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। इस मौके पर भारी संख्या में कर्मचारी भी मौजूद नजर आए। प्रदर्शन को देखते हुए अंबाला पुलिस भी भारी मात्रा में मौजूद थी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सर्व कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पानीपत में भी सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के तहत नाराजगी जताई, जिसके चलते सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी एकजुट हुए और पानीपत के लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर उनका कहना है कि नई पेंशन नीति के तहत उनकी पेंशन में भारी कटौती होती है और उन्हें पेंशन सही से नहीं मिल पाती। सर्व कर्मचारी संघ के कैशियर डॉक्टर सुरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन नीति के तहत ही पेंशन मिले। मुद्दा है कि 2006 के बाद तो राज्य सरकार में और 2004 के बाद केंद्र सरकार में जो कर्मचारी भर्ती हुआ है उसको कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसको नई पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, वो लागू की गई है। इसके तहत कर्मचारी का पैसा काटा जाता है, कुछ सरकार जमा करती है और उसको शेयर बाजार में लगाया जाता है, जो कि नाम मात्र पेंशन मिलती है। हमारी ये मांग है, जैसे एमपी एमएलए और मंत्री पेंशन लेते हैं, हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए और नई पेंशन स्कीम लागू की जाए। और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। शहर में एक 20 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। युवक 22 नवंबर को इटली से चंडीगढ़ आया था। युवक अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा था, जहां युवक को क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया था। 1 दिसंबर को युवक के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट आई थी। वहीं अब युवक में कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की भी पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ गई है। चंडीगढ़ के साथ पंचकुला और मोहाली के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अब चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सभी राज्य चंडीगढ़ के साथ सटे हुए हैं। वहीं हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में विदेश से आने वाले लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं। ऐसे में विदेश से आने वाले यात्रियों की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जांच तो की ही जा रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह ही नजर आ रहे हैं। अभी भी लोग कई जगहों पर बिना मास्क के दिखाई देते हैं, लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। तो इटली से लौटा था ये शख्स 22 नवंबर को, जो कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है, जिससे सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और इस नए वेरिएंट की दस्तक के बाद लोग और प्रशासन कितने अलर्ट हैं। तो कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है, ऐसे में सवाल लगातार प्रशासन से ही है कि कितना अलर्ट है ये प्रशासन।
और अब बात पानीपत की करेंगे, जहां डेरा सच्चा सौदा के दूसरे पातशाही शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में कार्यक्रम हुआ, जहां अंध विद्यालय, मदर टेरेसा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में गर्म कपड़े बांटे गए और फलों की टोकरी भी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, पार्षद अश्विनी ढींगरा सहित कई लोग शामिल होने पहुंचे। मुख्य अतिथियों ने डेरा सच्चा सौदा की ओर से चलाए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। वहीं स्कूल के स्टाफ ने कहा कि दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरों के काम आना, इसी को असली परमार्थ दिवस कहा जाता है। डेरा सच्चा सौदा की ओर से आज ब्लाइंड बच्चों को एक एक जर्सी और एक एक फ्रूट की टोकरी दी गई है। डेरा सच्चा सौदा हमेशा ही निष्काम सेवा के कार्य करता रहता है, चाहे कितनी गरीब की किसी की सेवा हो, उनके घर राशन पहुंचाना हो, या किसी के ब्लड की, किसी को रक्तदान की जरूरत है तो रक्तदान भी सबसे ज़्यादा करता है, नेत्रदान हो चाहे शरीरदान हो, इनके अनेकों कार्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सराहनीय है। मैं जनसेवा दल की ओर से और अपने पूरे शहरवासियों की ओर से डेरा सच्चा सौदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्लाइंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम की तरफ से बच्चों को उनकी स्कूली ड्रेस और फल वितरित करने का जो कार्य किया है, मैं इसकी डेरा सच्चा सौदा की बहुत सराहना करता हूँ। और डेरा सच्चा सौदा इस प्रकार के उपकार के कार्य अनेकों करते हैं, जैसे बच्चों में जाकर के बच्चों की सेवा करने का काम है, स्वस्थता का काम है, गरीब आदमी की इमदाद करने का काम है, और आम व्यक्ति को गलत रास्ते पर जो नशे के तरीके से चले जाते हैं उनको नशा मुक्त करके अच्छे आम व्यक्ति आम समाज में जोड़ने का काम डेरा सच्चा सौदा करता। और अब बात अम्बाला की करेंगे, जहां 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह का आयोजन सांसद रतनलाल कटारिया द्वारा ज्योति प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी विधायक असीम गोयल भी मौजूद नजर आए। इस खास कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों द्वारा अपने स्टॉल भी लगाए गए, जहां पर आम जनता सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते और खरीदारी करते हुए नजर आई। गीता ज्योति जो है वो सारे विश्व के अंदर एक रोशनी सारे संसार को दिखा रही है, और आज दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं कि गीता में वो सब कुछ है जो एक मनुष्य को अपने कर्मों की ओर जो है उन पर चलने के लिए उसकी आत्मा को झकझोरता है। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 33 टेरिस गार्डन में 2 साल के गुलादोई शो का आयोजन किया गया। बता दें कि गुलदाउदी शो का यहां आयोजन किया गया। वैसे तो इन 3 दिवसीय गुलदाउदी शो का आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते शो नहीं हो पाया था, लेकिन अब एक बार फिर से 2 साल बाद इसका आयोजन हुआ। इस मौके पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने वहां का जायजा लिया। दो साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से चंडीगढ़ में गुलदाउदी शो का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में टेरेस गार्डन में लगभग 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से गुलदाउदी शो का आयोजन किया जा रहा है। ये शो चंडीगढ़ के मेन इवेंट्स का एक हिस्सा रहा है और हमेशा से चंडीगढ़ वासियों चंडीगढ़ वासियों की इस शो को लेकर जो है काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो इस आपको बताता चलूं कि शो के अंदर जो है लगभग फूलों की 269 किस्में जो हैं वो इस शो में बाकायदा जो है वो दिखाई जा रही हैं। बाकायदा उनके नेम प्लेट्स जो हैं उनकी भी प्रदर्शनी की जाती है, और लगातार जिस तरीके से फूल प्रेमी या यूं कहूं कि नेचर प्रेमी जो है वो इस शो में भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये समय आप देख सकते हैं टेरेस गार्डन में बाकायदा गुलदाउदी शो का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसमें लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से गुलदाउदी शो का आयोजन किया जा रहा है तो क्या एक्साइटमेंट है इस समय, बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका?
निर्मल मैम, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से गुलदाउदी शो नेचर लवर्स के लिए कितना एक्साइटमेंट भरा है? बहुत एक्साइटमेंट है, बड़े भी छोटे भी, बच्चे भी। सुबह से ही जैसे ही पेपर में देखा ना तो मेरा पोता है, मेरी बहू है, फटाफट से नाश्ता बनाया कि आज इन संडे एंजॉय करते हैं और ये गार्डन देखते हैं। साक्षी शर्मा, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से गुलदाउदी शो का आयोजन किया जा रहा है और काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है कि बहुत सारे लोग जो है खासतौर पर फैमिलीज को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे एनवायरनमेंट के लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ वैसे यहाँ पे, मैं पंजाब से हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। रौनक भी है यहाँ पे और अलग अलग वेराइटीज के फ्लावर हैं। तो आपको बता दूं कि इस गुलदाउदी शो के अंदर जो है 269 किस्मों के फूलों की किस्में जो हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। बाकायदा लोग जो हैं वो इस चीज का नजारा भी ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसी तरह के आयोजन जो हैं वो लगातार जो हैं वो किए जाएं ताकि लोगों को फूलों के बारे में और साथ ही साथ नेचर के साथ जो अट्रैक्शन हो उसके बारे में जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। और अब बात पानीपत की करेंगे, जहां गांव गांजपुर में अज्ञात कारणों के चलते जीएस स्पाइंग मिल में आग लग गई, जिसके बाद तुरंत पानीपत और घरंडा फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और मौके पर करीब 12 से 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि इस आगजनी में विदेशी मशीनों के साथ ही काफी सामान भी जलकर खाक हो गया। लगभग तीन करोड़ का इस दौरान नुकसान आगजनी में आशंका जताई जा रही है। ये आग रात करीब 3 बजे लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। वहीं इस मिल के मालिक घनश्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गोदाम में सामान भरा था और विदेशों से जो मशीनें मंगाई गई थी वो भी इस आग में जल चुकी हैं। रात को तकरीबन 3 बजे फायर हुई है जी, और हमारे पास 3:20 पर फोन आया था और फिर हमने फायर ब्रिगेड ग्रोंडा को, पानीपत को बुलाया, वो भी आ गए। हमारे आने से पहले भी जिले अपना ये पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस आई हुई थी। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ पर फैक्ट्री सारी जल के खराब हो गई है। अंदाजा कितना नुकसान? मशीनें हैं, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। 2 से 3 करोड़ रुपये का नुकसान है जी कम से कम। और इसी के साथ कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।